में दर्द रहता है, सूजन रहता है या नसें ब्लॉक होती जा रही हैं, सिर में दर्द बना रहता है, थकावट रहती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है। एक चम्मच सिर्फ आपको यह रोज ही लेनी है, 15 दिन लगातार लेकर देखें, आपके शरीर के हर एक दर्द को दूर करने के साथ साथ पुराना से पुराना कब्ज की समस्या, पाचन की समस्या या किसी भी तरह के अगर आपके शरीर में अकड़न हो रही हो, दर्द हो रही हो, तो ये जड़ से उसको खत्म कर देगा। बहुत ही असरदार घरेलू उपचार आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इसे आपको किस प्रकार से बनानी है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ। नसों में जब कमजोरी आ जाती है, तो अगर हाथ में, पैर में झंझनाहट हो रही है, सुन्नपन जैसा महसूस हो रहा है, तो यह नसों के कमजोर होने के लक्षण होते हैं। तो भी यह आपको बहुत ज़्यादा असर करेगी। सिर्फ दो सामग्री की मदद से यह बन जाएगी। घर में ही आप इसे बना सकते हैं। सांस फूल रही हैं, चलते हुए पैर से कटकट की आवाज़ आ रही है, तो भी यह आपको मदद करने वाली है। कमर दर्द की वजह से रात को नींद नहीं आती है, पैर में अकड़न, पिंडलियों में दर्द, एड़ी में दर्द रहता है या उंगलियों में दर्द रहता है, उंगली को मोड़ने में भी दर्द होती है, तो भी यह उपाय आपको बहुत ही ज़्यादा काम करने लगेगा। घुटने दर्द की वजह से रोज़मर्रा के कार्य में तकलीफ आती है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी पहाड़ जैसा प्रतीत होने लगता है, जिस वजह से हम बाहर निकलना बंद कर देते हैं, कोई भी काम नहीं करते, जिससे पाचन भी बिगड़ती है। तो यह आपके शरीर के टॉक्सिन्स को निकालने का उपाय है। इसके लिए सबसे पहले जो सामग्री हम लेंगे, वह लेंगे सूखा हुआ आंवला। आंवला आप लेकर आ जाएं, उसके बाद उसे आपको काट कर बीज निकाल देनी है, या उसको सुखाने के बाद बीज निकाल दें। आंवला जो होता है, वो बहुत अच्छी मात्रा में इसमें विटामिन सी होती है, जो हमारे शरीर को अच्छी तरह से, उसमें जितने भी डैमेज हैं सेल्स में, उनको ठीक करती है, रिपेयर करती है। आंवला में एंटीऑक्सीडेंट होता है और बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के जितने भी रोग हैं, दर्द हैं, उनको दूर करते हैं और हमसे यह दर्द और रोग कोषों दूर रहते हैं। पाचन में भी यह बहुत काम आता है। तो अगर आपको पाचन की समस्या रहती है, जी मिचलाता है, तो भी आंवला लेनी चाहिए। आंवला को सुखा कर लेने से इसका नुकसान नहीं होता। जो लोग आंवला खट्टा खाते हैं, कच्चा, कभी कभी उनको नुकसान भी करता है। तो इसे किस प्रकार से लेनी है, वह मैं आपको बताऊंगी। दूसरी जो सामग्री हम लेंगे, वह लेंगे एलोवेरा का जेल। एलोवेरा का जेल जो होता है, वह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। एलोवेरा के जेल में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो घुटने की चिकनाई बनाने में मदद करते हैं। जो भी लोग सोच रहे हैं कि घुटने का ऑपरेशन करा लेते हैं, तो एक बार इस औषधि को आजमा के जरूर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ सावधानियाँ भी बरतनी हैं, जैसे कि आपको बाहर की तली भुनी चीज़ें नहीं खानी हैं। तली भुनी चीज़ें में पाम ऑयल होता है, वह तेल का ध्यान नहीं रखते, कोई भी तेल में बना देते हैं, और जिससे हमारे शरीर में जो वसा होती है, जो लिपिड होती है, जिसे हम ओमेगा 6 फैटी एसिड बोलते हैं, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे यह हमें हमारे नसों में जाकर फंसती हैं और जिससे नसों की ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना जैसी समस्या दे देती हैं। और यह समस्या
हमारे सिर में दर्द भी देती हैं, जोड़ों के दर्द भी देती हैं, पाचन को भी बिगाड़ देती हैं। तो आपको कभी भी बाहर की चीजें नहीं खानी है, पैकेट की चीजों को बिल्कुल बंद कर देना है, घर में बनी हुई चीजों का ही इस्तेमाल करना है। इस घरेलू उपचार के साथ साथ आपको कुछ व्यायाम भी करने हैं और योगा अभ्यास भी करने हैं। अगली सामग्री जो हम इसमें मिलाएंगे वह मिलाएंगे मेथी का दाना। मेथी के बीज जो होते हैं वह सूजन को दूर करते हैं और जोड़ों के दर्द को भी दूर करते हैं, जिससे वात से जुड़ी सारी ही समस्याएं दूर हो जाती हैं। मेथी दाना कैसे प्रयोग करना है? मेथी दाना को आपको बिना घी तेल के कढ़ाई में हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, ताकि इसके अंदर जितनी भी मॉइस्चर हो यानी पानी हो वह निकल जाए। इसके बाद इसे ठंडा करना है, इसके चूर्ण बनाना है। आइए हम जानते हैं मात्रा हमें कौन सी सामग्री का कितना लेना है। आपको यहाँ पर 50 ग्राम ले लेनी है मेथी के दाने का चूर्ण जो हमने भी बनाया, और साथ में 25 ग्राम आपको आंवले का चूर्ण ले लेना है, सूखे हुए आंवले का चूर्ण। अब यह दोनों को एक साथ मिला लेनी है और इसे आपको लेनी है 1 चम्मच बड़े चम्मच से यानी 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल के साथ। एलोवेरा जेल में इसे अच्छे से मिला लेना है और आपको इसे सुबह सुबह या फिर आप इसे सुबह जब आप कोई काढ़ा पी लेते हैं उसके बाद 15 मिनट के बाद आप इसे ले सकते हैं। इसके पहले एक वीडियो मैंने शेयर करी है, उसमें मैंने काढ़ा बनाना बताया है। उस काढ़े को लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप देखें। तो पहले काढ़ा ले लें, उसके बाद इसे आप ले लें। इससे आपके शरीर की जितने भी जोड़ों के दर्द, नसों की ब्लॉकेज हैं दूर हो जाएंगी, वेरिकोज वेन की समस्या भी दूर होगी, सिर दर्द दूर होगा, साथ में कब्ज कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी दूर होने लगेगी। ध्यान रखने की बात यह है कि आपको यह लगातार 15 दिन ही लेने हैं, इससे ज़्यादा दिन आपको इसे नहीं लेने हैं। उसके बाद आप इसे 1 महीने के बाद आप इसे ले सकते हैं, लगातार इसका सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा फर्क दिखना शुरू हो गया है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य कर दे। चैनल पे नए हैं ऑल हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल पे, तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले इस तरह के ही जरूरी अपडेट्स के लिए।